आईटेल A49 एंड्रॉयड 11 का FRP बाईपास कैसे करते हैं बिना कंप्यूटर के द्वारा, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ऊपर लॉक लगा हुआ है, यानी हमारा FRP लॉक हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको कंफर्म करके देख लेते हैं इसका जो FRP लॉक है। सबसे पहले किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है मोबाइल में, हमने एक वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है। अभी मैं आपको सबसे पहले इसका जो कंफर्म बता देता हूँ, इसमें FRP लगा हुआ है, तो एक बार इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। तो उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताऊंगा आपको इसको कैसे बाईपास करते हैं एंड्रॉयड 11 में। आईटेल का A49 मॉडल है, यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये फ्रेंड्स देखिए स्क्रीन पर हमारा जो लॉक हो चुका है, अभी इसके स्किप ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, होम स्क्रीन पर जाना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद होम स्क्रीन पर जाना है, फिर इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पर दो बार टैप करना है, फिर इस पेंसिल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे वापस इस आइकन पर क्लिक कर देना है, फिर चूज़ एन इमेज यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऊपर 3 लाइंस दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ड्राइव यहाँ पर आपको टैप करके रखना है, क्लिक करके रखना है। इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको जाना है परमिशन पर क्लिक कर देना है। ऊपर आएगा सर्च बार, यहाँ पर आपको लिखना है सेटिंग्स, सर्च में लिखना है सेटिंग्स। इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है सेटिंग्स, थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है, नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। एक बार इसको और कट करके वापस लिख सकते हैं, एक बार इसको वापस टाइप करते हैं, नीचे आएगा सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आएगा सेटिंग्स ऐप इन्फो, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करते ही आपका ये सेटिंग मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाना है आपको ऐप्स में, ऊपर दिया हुआ है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऑल ऐप्स पर क्लिक कर देना है, सी ऑल ऐप्स, यहाँ पर क्लिक किया। अभी आपको शो सिस्टम 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, शो सिस्टम यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाना आपको एंड्रॉयड सेटअप, दो एंड्रॉयड सेटअप है, फर्स्ट वाले में जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है डिसेबल और डिसेबल ऐप, फिर आपको फोर्स स्टॉप कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। फिर दूसरे वाले एंड्रॉयड सेटअप पर जाना है और यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप दिया हो, यहाँ पर ओके कर देना है। अभी हमें नीचे जाना है गूगल प्ले सर्विसेज, ये दोनों एप्लीकेशन को करने के बाद में नीचे जाना है आपको गूगल प्ले सर्विसेज। आप नीचे देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विसेज, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ लिखना है आपको डिसेबल ऐप पर क्लिक कर देना है, डिसेबल कर देना है और फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अभी हमें वापस बैक की प्रेस करते जाना है, यानी स्टार्ट मेन्यू पर वापस जाना है आपको, बैक की प्रेस करते जाना है जब तक स्टार्ट मेन्यू नहीं आए तब तक। इस प्रकार से स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, फिर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और स्किप पर नीचे क्लिक कर देना है। अभी हमारा ये जो नेट कनेक्शन वाईफाई ऐड होना चाहिए, अभी यहाँ से हमारा मोबाइल स्टक हो जाता है, यानी रुक जाता है जस्ट ए सेकेंड, इससे आगे नहीं जाएगा, देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस प्रकार से अब चेकिंग फॉर अपडेट्स और जस्ट ए सेकेंड ये ऑप्शन से आगे नहीं जाएगा, इधर ही घूमता रहेगा। तो अभी हमें एक बार बैक की प्रेस करना है, आराम से एक बार सिंगल टैप, नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेटअप ऑफलाइन, यहाँ पर ओके कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी भी हमारा मोबाइल आगे ऑन नहीं होगा, जस्ट ए सेकेंड पर रुका हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, वापस स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, बैक की प्रेस कर देना है, बैक की प्रेस करते जाना है और स्टार्ट मेन्यू पर जाना है। यहाँ पर इमरजेंसी कॉल में जाना है, वापस आपको इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन डबल टैप, फिर पेंसिल पर क्लिक कर देना है और आपको आइकन पर क्लिक कर देना है, नीचे वापस आइकन पर क्लिक कर देना है और चूज़ एन इमेज यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक कर देना है, यहाँ टैप करके रखना है। आपको वापस सेटिंग में जाना है और यहाँ पर परमिशन पर क्लिक कर देना है, ऊपर सर्च में लिखना है सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर सर्च कर देना है। ये जो सेटिंग्स मेन्यू आएगा यहाँ पर अभी नीचे जाना है ऐप इन्फो, यहाँ पर ओके कर देना है और सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। अभी नीचे जाना है वापस ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पर ओके कर देना है और फिर शो ऑल ऐप्स यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी हमने डिसेबल किया था गूगल प्ले सर्विसेज को, उसको एक बार अनेबल कर देना है। डिसेबल ऐप में देखते हैं कौन सी ऐप डिसेबल है, यहाँ पर ये डिसेबल है गूगल प्ले सर्विसेज, इसको अनेबल कर देना है और वापस हमें बैक की प्रेस करके सीधा स्टार्ट मेन्यू पर जाना है। आपको सीधा बैक की प्रेस करते जाना है जब तक आपका स्टार्ट मेन्यू नहीं आए, बैक की प्रेस करते जाओ, ये स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपका स्टार्ट मेन्यू आ गया है, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, नीचे आएगा स्किप, यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको तुरंत आपको बैक की प्रेस कर देना है। वापस एक बार स्किप देखिए और इस प्रकार यहाँ पर आगे नहीं जाना है, तुरंत बैक की प्रेस करना है, सेटअप ऑफलाइन ओके कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट ए सेकेंड से आगे हमारा मोबाइल बढ़ जाएगा गूगल प्ले सर्विसेज, इसको नेक्स्ट कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है, यहाँ पर आपको स्किप कर देना है और स्किप पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, एग्री कर देना है और यहाँ पर इसको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, कंट्री सेलेक्ट कर देना है।
कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपका जो सीधा जो होम मेन्यू है मोबाइल का वो सीधा ओपन हो जाएगा, यानी हमारा गूगल अकाउंट लॉक अनलॉक हो चुका है, यानी हमारा मोबाइल अभी प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो ये ट्रिक मैंने जो आपको बताया आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल पूरा फॉलो कर देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है जो नया मेरा ट्रिक है कैसा लगा। सेटिंग में देख सकते हैं आप इसका एंड्रॉयड वर्जन 11 है और मॉडल है A49। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।